नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से खबर आ रही है। यूपी पीसीएस 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है और बहुत से छात्र अधिकारी बन चुके हैं और बहुत ही तेज़ी से ये रिजल्ट घोषित हुआ। अभी इसका इंटरव्यू समाप्त हुआ था और इतनी जल्दी ये रिजल्ट घोषित हो गया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से छात्र जो है SDM बने हैं और बाकी अन्य छात्रों का किस पद पर चयन हुआ है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये देख लीजिए, आज की डेट में 12 अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। लिखा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा का परिणाम 20 मार्च को घोषित किया गया था। उक्त परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु 845 छात्र सफल घोषित किए गए थे। उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माननीय आयोग द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक हुआ था। 8 अप्रैल को साक्षात्कार समाप्त हुआ, आज 12 अप्रैल है और 4 दिन के अंदर ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे और इस प्रकार से कुल 24 प्रकार के पदों हेतु 487 रिक्तियों के सापेक्ष 476 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित पद बाल विकास परियोजना अधिकारी की 11 रिक्तियां योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण अनभरी रह गई है। तो बाल विकास अधिकारी की 11 पद खाली रह गए हैं जिस पर कोई उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला। संचिता ने यहाँ पे टॉप किया है। ये देखिए SDM की पोस्ट मिली है, फीमेल कैटेगरी का की कैंडिडेट हैं ये और अनरिजर्व सीट पे जनरल कैंडिडेट है संचिता, इन्होंने टॉप कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे शिवांशी दीक्षित दूसरी भी फीमेल कैटेगरी की सीट गई है यहाँ पे, और फिर मोहित रावत हैं, शिशिर कुमार सिंह हैं, उदित कुमार हैं, ललित कुमार मिश्रा हैं, प्रतीक्षा सिंह हैं, महिमा हैं। तो इस प्रकार से फीमेल्स का काफ़ी बोलबाला है SDM बनने के लिए। देखिए SDM के जो पद हैं, सबसे पहले SDM के पद हैं, आप इनके नाम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा स्लो चला रहा हूँ। और SDM के बाद जो है डिप्टी SB के पद आएंगे, तो अभी तो ये SDM के पद ही चल रहे हैं और SDM के पद काफ़ी ज़्यादा आए थे इस बार की भर्ती में, 61 पद थे SDM के। और अंततः शालिनी देवी, वैभव गुप्ता, शुभेंद्र गोपाल भी SDM बनने में कामयाब हो गए हैं। इसके बाद आती है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की ARTO जिसको बोलते हैं, ARTO के पद 7 थे, 7 पदों पर चयन हो चुका है। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स 4 पदों पर चयन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, और इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। आप PCS के पद देख लीजिए कौन कौन से पद PCS में आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और इसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़, डिप्टी SB के पद इसमें नहीं है। स्टैटिकल ऑफिसर, और इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसके बाद सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार जो हम लोग की रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं, वो सब रजिस्ट्रार होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर शिवकांत पांडे EVS कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, जो भी यहाँ पे पद होते हैं जिला लेवल के ही पद होते हैं, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर के पद है। और हिंदी पर्सन डिस्ट्रिक्ट हैंडी पर्सन एम्पावरमेंट ऑफिसर है ये, और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो इस तरह के ये तमाम पद हैं यहाँ पे, 24 प्रकार के पद हैं टोटल, और कुछ पद में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, कुछ पद में कम कैंडिडेट हैं, जिस तरह से है। यहाँ पे देखिए BSC की जो पोस्ट होती है, ADIOS जो होती है पोस्ट, उसके लिए भी यहाँ पे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पद हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पद है ये, जिसमें काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ये 94 लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, ज़्यादा पद इसी के थे। और ये पूरा रिजल्ट था जो मैंने आपको दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नंबर देख सकते हैं। जिन छात्रों का इसमें चयन हुआ हो और ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बाकी छात्रों को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।